press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस न्यूज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम तेजस F-16 और ग्रिपिन को लेके जो अफवाह उड़ाई जा रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर मैं आप सबके सामने कुछ एनालिसिस रखने वाला हूं। फिर वीडियो के अंत में आपको क्या लगता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ये बात उठी थी कि तेजस F-16 और ग्रिपिन जैसे फाइटर से काफी पीछे रह जाता है और इसी वजह से अब इंडियन एयरफोर्स F-16 और ग्रिफिन को खरीदने वाला है जबकि तेजस को रिजेक्ट कर रहा है। सबसे पहले जो बात की गई थी वो थी तेजस की एंडोरेंस को लेके, और तेजस की एंडोरेंस को 59 मिनट का बताया गया था जबकि ग्रिफिन के लिए ये 3 घंटे का था और F-16 के लिए ये 4 घंटे का बताया गया था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है कि जब एक प्लेन टेक ऑफ करने के बाद वापस बेस पर लौटता है यानी कि लैंड करता है तो उसे एक सॉर्टी कहते हैं। अगर एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद हाई अल्टीट्यूड में जाता है और सीधे किसी और डेस्टिनेशन की तरफ जाता है किसी पैसेंजर प्लेन की तरह, तो जाहिर सी बात है कि उसकी फ्लाइट टाइमिंग ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वही प्लेन को लो अल्टीट्यूड में किसी कॉम्बैक्ट मैनूवर्स को परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा तो उसकी फ्लाइट टाइमिंग भी कम होगी और वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। और एक बात भी है कि कोई प्लेन इंटरनल फ्यूल यूज कर रहा है या फिर एक्सटर्नल फ्यूल यूज कर रहा है इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जब हम किसी प्लेन की एंडोरेंस की बात कर रहे हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि तेजस की एंडोरेंस 59 मिनट की है, लेकिन लीबिया में जब ग्रिफिन को तैनात किया गया था तो ग्रिफिन ने जितने भी सॉर्टीज किए थे वो सब 50 मिनट से लेकर 90 मिनट तक थे और इन सॉर्टीज के दौरान ग्रिफिन एक्सटर्नल फ्यूल कैरी कर रहा था जबकि इसके बावजूद भी ग्रिफिन ने एक बार भी 1000 किलोमीटर तक का रेंज कवर नहीं किया। ज़्यादातर सॉर्टीज 500 किलोमीटर तक ही सीमित थे। चलिए अब F-16 की बात करते हैं। F-16 की एंडोरेंस को 4 घंटे का बताया गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनल फ्यूल के साथ F-16 की कॉम्बैट रेडियस सिर्फ 550 किलोमीटर है जबकि इसे 1000 किलोमीटर तक का बताया गया था। वो जो एक्स्ट्रा रेंज थी वो सब विथ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की मदद से थी, और वो जो 4 घंटे की फ्लाइट बताई जा रही थी विथ एक्सटर्नल फ्यूल, उसे फेरी फ्लाइट कहते हैं, सॉर्टी नहीं कहते। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ग्रिफिन 4.5 से लेके 5.3 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है और ये बताया जा रहा था कि F-16 7 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है, मतलब F-16 F-35 जितना पेलोड कैरी कर सकता है, लेकिन असल में F-16 5.5 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं सर्विस टाइम पर। तेजस की सर्विस टाइम 20 घंटे की है जबकि ग्रिफिन के लिए ये 6 घंटे का बताया गया था और F-16 के लिए ये 3.5 घंटे का बताया गया था। यहाँ पर भी आधी सच्चाई बताई गई है। ग्रिफिन को सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में 6 घंटे की सर्विस की ज़रूरत होती है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होती है, बाद में इसे भी 20 घंटे की आसपास की सर्विस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक बात आप सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों प्लेन हैं, चाहे वो F-16 हो या फिर ग्रिफिन हो, ये दोनों 20 से 30 साल पहले डेवलप हो चुके हैं और इसी बीच इसकी मेंटेनेंस और सर्विस वगैरह का सबको एक्सपीरियंस हो गया है। इसी वजह से इनकी सर्विस टाइमिंग और मेंटेनेंस कम पड़ रहा है। आगे चल के 3-4 साल बाद जब तेजस का भी हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तेजस का भी सर्विस टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसका मेंटेनेंस भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर कॉम्बैट रेडियस की बात की जाए तो F-16 और ग्रिफिन की कॉम्बैट रेडियस तेजस से थोड़ी ज़्यादा है, वो भी कोई काफ़ी बड़ी बात नहीं है क्योंकि F-16 और ग्रिफिन तेजस से साइज में काफ़ी बड़े हैं और तेजस के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकते हैं, लेकिन F-16 भी तेजस से ज़्यादा आगे नहीं है। F-16 की कॉम्बैट रेडियस 550 किलोमीटर है जबकि तेजस की कॉम्बैट रेडियस 500 किलोमीटर है। पिछले 30 साल से F-16 को अपग्रेड किया जा रहा है और ग्रिफिन को पिछले 20 साल से अपग्रेड किया जा रहा है।
उसी तरह वक्त के हिसाब से तेजस को भी एक अच्छा फाइटर बनाया जा सकता है। अभी भी तेजस अपने क्लास में एक 4th प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक कर सकता है। और तेजस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो तेजस आज तक का सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है। तेजस में मेनली कॉम्पोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ साइज में छोटे होने की वजह से तेजस सेमी स्टील्थ भी बन जाता है। तेजस अपने क्लास में एक बेस्ट फाइटर है, पर फॉरेन लॉबी की वजह से इसे बंद करने की कोशिश चल रही है। जानबूझकर तेजस के बारे में नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया को फॉरेन फाइटर्स की ज़रूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस प्रोग्राम को हम पूरी तरह से बंद कर दें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।